एल्विश यादव से हो रहा है एक बार फिर से अभिषेक मल्हान का कंपैरिजन। कुछ किरदारों की बातें चल रही हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स की बातें चल रही हैं और लोग कह रहे हैं कि अभिषेक तो भाई कॉपी कर रहे हैं एक किस्म से एल्विश यादव की। चलिए बात करते हैं। स्वागत है आप सभी का बॉलीवुड स्पाई में, मैं हूं अदिति शर्मा। तो दोस्तों, जैसे ही कोई सीजन आता है बिग बॉस का, कुछ कंटेस्टेंट्स ऐसे रहते हैं जो लोगों के चहेते बन जाते हैं और उन चहेते कंटेस्टेंट्स का आपस में कंपैरिजन बहुत ज़्यादा होता है। जिनकी दोस्तियां हो जाती हैं उनकी दोस्ती पर लोगों की नज़र रहती है, जिनको बिग बॉस के घर के अंदर प्यार हो जाता है उस प्यार पर लोगों की नज़र बहुत रहती है कि बाहर भाई कुछ इधर उधर तो नहीं चीज़ें हो रही हैं, जो कमिटमेंट्स इन्होंने घर के अंदर किए थे वो तो नहीं इधर उधर हो रहे हैं। तो यहाँ पर फिलहाल जो है कुछ बातें हुई थी घर के अंदर के मूवी में रोल मिलेगा, कौन क्या बनेगा। तो अभिषेक ने कहा था मैं हीरो बनूंगा और एल्विश ने कहा था, एल्विश के लोगों ने कहा था कि तू सेकंड लीड, जिस पर एल्विश ने कहा था कि मैं सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ, ट्रॉफी भी जितना भी इतना सब भाड़ में गया, लेकिन लाइफ में मैं कभी सेकंड लीड प्ले नहीं करूंगा। और हाल फिलहाल अभिषेक ने बाहर आकर कुछ ऐसा ही बयान दिया है दोस्तों, जो डिट्टो है। अभिषेक को एक किरदार ऑफर हुआ और वो था सेकंड लीड का, एंड यहाँ पर अभिषेक ने उस किरदार को रिजेक्ट कर दिया और अभिषेक ने कहा कि वो सेकंड लीड कभी भी प्ले नहीं करेंगे, करेंगे तो मेन लीड में आएंगे। तो यहाँ पर लोग अब कह रहे हैं कि भाई एल्विश यादव की चीजें दोहराई जा रही हैं, अभिषेक भी वही चीजें कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर टीज भी किया जा रहा है अभिषेक को कि तुम्हें भाई सेकंड लीड ही मिलेगा, तुम तो बिग बॉस में भी सेकंड आए हो। आप सभी को क्या है इस पर कहना कमेंट्स में बताइए जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।